हेलो बच्चों, हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की बात चल रही थी। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी रह रहा है, जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। देखो, यहाँ पे भी हम किसी कण की बात कर रहे हैं, किसी कण के व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे बिहेव करता है। देखो, श्रोडिंगर की बात है ना, दो तीन क्लासों में हो पाएगी, क्योंकि ये कोई एक समीकरण नहीं है, इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। और आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा कम टाइम के लिए हो, क्योंकि आज का मौसम ख़राब है, जिसके कारण आपको वीडियो क्लियर भी नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो सनलाइट आती है उसके कारण ही मेरी वीडियो साफ बनती है, घर की रोशनी में साफ नहीं बनती, इसलिए आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा आज। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं आज जितनी हो पाएगी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा हमको किसी कण के बारे में बताना है। देखो, हमको पता है जैसे किसी परमाणु में कोई कण है, कण की कुछ ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है। हमको ऊर्जा निकालनी है कण की, तो हम ऊर्जा कैसे निकालेंगे? ऊर्जा निकालने के लिए हम उसकी जो भी गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस में स्थितिज ऊर्जा होगी, उनको ऐड कर लेंगे। किसी कण की कुल ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, जो काइनेटिक एनर्जी, देखो ऊर्जा को किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। और जो स्थिति ऊर्जा है, हम इसको वी से लिख देते हैं। बच्चों, कोई दिक्कत? हम इसको वी से लिख देते हैं। अब देखो, अगर हमको केवल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमको ये निकालना है कि किसी कण को कितनी गति मिल रही है, गतिज ऊर्जा कितनी मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर को एक जगह रख लो और वी को यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? ई माइनस वी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ई माइनस वी। अब देखो, जो हमारे पास गतिज ऊर्जा है, कौन सी है? हाफ एम वी स्क्वायर। उसको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहूँ, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखो, मैथ में ना, आपको पता ही है, मैथ में किसी भी संख्या को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस उसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम देखो, हाफ एम वी स्क्वायर को अगर मैं क्या लिख दूँ, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लिख दो, मैथ वालों को तो पता ही है। और बायो वालों के लिए भी एक बात बताना चाहता हूँ, मैथ में किसी भी वैल्यू को हम कैसे भी लिख सकते हैं, बस उसकी जो मूल वैल्यू है, जो फंडामेंटल वैल्यू है, जो उसका मूल मान है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम एम से एम काट दें तो वापस से वही चीज़ बन जाएगी ना, वापस से एम वी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने एक समीकरण पढ़ी थी, कौन सी? डी ब्रोगली पढ़ाई थी, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दी। डी ब्रोगली समीकरण पढ़ी थी। क्या होती है डी ब्रोगली समीकरण? देखो, डी ब्रोगली समीकरण जो होती है वो होती है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। ठीक है, या हमने लिखा था लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, द्रव्यमान इनटू वेग को लिख सकते हैं ना, संवेग लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ठीक है, कैसे भी लिख लो, मुझे ये मिटाना है तो मैं मिटा दूँ। देखो, यहाँ तक आपको समझ में आया, मिटाना है मुझे, चलो ऊपर लिख दूँगा मैं। देखो, डी ब्रोगली समीकरण क्या कह रही है हमारे पास? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, ये कह रही है। अब देखो, हमको एम वी का मान निकालना है, एम वी का मान निकालना है, तो हम क्या करें? एच अपॉन लैम्डा।
एम बी को एक जगह रख दिया, एच अपॉन लैम्बडा को हमने एक जगह रख दिया। देखो इससे पहले जो हमने अभी समीकरण पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर पढ़ा था। हमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान निकालना है, एम वी नहीं देखना, हमें निकालना है एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ये हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर दोनों ओर, दोनों ओर हाफ एम से गुना कर दे, दोनों ओर हाफ एम से गुना कर दे, करने पर, ठीक है, दोनों अगर हाफ एम से गुना कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एक एम से एक एम कट जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर टू एम, टू एम लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो गई, ये वाली समीकरण हो गई, हमारे पास क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैम्बडा स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, एम वी की वैल्यू निकाली किससे, डी ब्रोगली समीकरण से, डी ब्रोगली समीकरण से क्या आया, एच अपॉन लैम्बडा, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, मैंने उसको गुना कर दिया वन अपॉन टू एम से, हमने मल्टीप्लाई कर दिया वन अपॉन टू एम से मल्टीप्लाई किया तो एम से एम कट गया, क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, और यहाँ आ गया एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली समीकरण आ गई, मान लो देखो इसे दो समीकरण दे देते हैं, और जो पहले वाली हाफ एम वी स्क्वायर समीकरण आई थी कौन सी आई थी, स्टार्टिंग में देखो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी, ये आई थी ना, ये आई थी, ठीक है। तो इस समीकरण और इस समीकरण की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, e माइनस वी, इसकी और इसकी तुलना कर लो, तो मैंने क्या लिख दिया, एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, इज इक्वल टू e माइनस वी, ये हमने क्या कर ली, तुलना कर ली, कंपेरिजन कर ली। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, कैसे, लैम्बडा, मुझे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, मुझे वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्बडा निकालने के लिए मैं इसको लिख दूँ एच स्क्वायर अपॉन टू एम ई माइनस वी। मैंने किया क्या, देखो ध्यान से देखना, मैंने किया क्या, मैंने एच, मैंने लैम्बडा स्क्वायर रखा, एच स्क्वायर रखा, टू एम और ई माइनस वी, कुछ चेंज किया क्या, नहीं, मैंने बस लैम्बडा को एक जगह रखकर, मैंने एक जगह रखकर सारी की सारी वैल्यू क्या है, दूसरी जगह रख दी मैंने, दिख रहा है ना, मैं पीछे हट जाता हूँ थोड़ा सा, तो सारी की सारी वैल्यू क्या है, मैंने एक जगह रख दी, और ये हमारे पास क्या है, लैम्बडा का मान निकल के आ गया, निकल के आ गया, ये दिख रहा है ना आपको, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब देखो ये लैम्बडा की वैल्यू निकल के आ गई, अब हमें आगे की बात करनी है। देखो अब आपको थोड़ी सी बात याद रखनी पड़ेगी श्रोडिंगर समीकरण के लिए, हमारे पास जो चिरसम्मत यांत्रिकी है, हमारे पास एक साइनोसोडियल तरंग समीकरण है, साइनोसोडियल तरंग समीकरण है, मैंने वो पढ़ाई नहीं है लेकिन आप उसको याद रख सकते हो सीधा, साइनोसोडियल तरंग समीकरण। अब साइनोसोडियल तरंग समीकरण क्या होती है, वो होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर जेड और प्लस, ठीक है, प्लस फोर पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, ये होती है, ठीक है। ये हमको कहाँ से निकल के आई है, ये हमको साइनोसोडियल तरंग समीकरण है, कौन सा समीकरण है, साइनोसोडियल तरंग समीकरण।
अब हमने क्या किया, जो डी ब्रोगली से हमारे पास वैल्यू निकल के आई लैम्बडा की, उसको हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। ठीक है, तो यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर वाई, सॉरी डेल वाई स्क्वायर और डेल जेड स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से है। मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया, डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस, अब देखो लैम्बडा की वैल्यू रखनी है, लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे तो जो देखो लैम्बडा नीचे है वहाँ पे, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। ये 2m और e माइनस v कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, अरे जाएगा ना भाई, जाएगा। ठीक है, ये देखो सॉरी ये साई है, अब देखो हाँ कहाँ पे थे हम, हाँ एच स्क्वायर ये ऊपर चला गया 2m e माइनस वी, तो 2m ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 8 से हो गया, 8 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या था पाई स्क्वायर था, m था, m ऊपर चला गया, उसके बाद हमारे पास क्या था e माइनस वी और साई, साई था ना इसमें इज इक्वल टू ज़ीरो, यही हमारे पास क्या है श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण बिल्कुल सरल लैंग्वेज है। देखो अगर समझ में नहीं आए तो एक बार ध्यान से और सुनना, या तो पूरी वीडियो दोबारा देख लेना, या फिर ध्यान से मेरी 2 मिनट की बात सुन लीजिए, बस ज़्यादा नहीं 2 मिनट की बात। देखो हुआ क्या, हमको किसी कण की कुल ऊर्जा निकालनी है, कुल ऊर्जा किससे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर गतिज ऊर्जा के लिए हमने हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई माइनस वी रख दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारे पास हमारे पास डी ब्रोगली समीकरण थी उससे मैंने लैम्बडा की वैल्यू निकाली, लैम्बडा की वैल्यू निकाली उससे, और उसके बाद मैंने जो साइनोसोडियल तरंग समीकरण है उसमें लैम्बडा का मान रख दिया, और हमारे पास ये समीकरण आ गई जिसको हम बोल रहे हैं श्रोडिंगर समीकरण, जिसको हम क्या बोल रहे हैं श्रोडिंगर समीकरण बोल रहे हैं, ये वाली समीकरण। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाली बात है नहीं, बस आपको इतनी सी ही चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इतनी सी चीज़ आप याद रख लोगे तो बहुत है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। देखो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कल भी मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा तो दोबारा में बता दूँगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाना। ठीक है, तो इसी के साथ कल मिलते हैं और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज लाइटिंग अच्छी नहीं है रूम में, इसलिए कल बात करेंगे।